नमस्ते, आई एम डॉक्टर खुशबू गोयल। आई एम सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका। आज इस वीडियो से हम स्ट्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस क्या है और ये कैसे हमें अफेक्ट करता है और इससे कैसे बच सकते हैं। स्ट्रेस बेसिकली हमारा रिस्पॉन्स है, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो हम फील करते हैं, जो हमारी आसपास के स्पेस में चल रहा है, हमारी बॉडीली ट्रिगर्स हैं, ये हमारे को कुछ रिएक्शंस के लिए मजबूर करते हैं। जो हमारी बॉडी एक रिएक्शन देती है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। हाउ वी रिएक्ट इज एक्चुअली यू नो डिटरमाइंस द स्ट्रेस। कुछ लोग होते हैं जो चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को इजीली डील कर लेते हैं और कहते हैं हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं वो उन्हीं चैलेंजेस, उन्हीं नीड्स को सीरियस में लेके और दे हैव अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं, जैसे कोई न्यू जॉब, न्यू असाइनमेंट, इट गिव्स अस मोटिवेशन, इंस्पिरेशन एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस। While if let's suppose there is some problems in the life professionally, personally, or there is a body problem, some illness, then we may feel negative, we have low energy, low motivation, we feel depressed, then we take it in a negative way. So stress daily part है life का, इसको fully avoid नहीं कर सकते हैं और ये हमारी body को negatively impact करता है अगर वो लंबे time तक रहता है। ये हमारी फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, कार्डियोवास्कुलर, इम्यूनिटी हेल्थ को अफेक्ट करता है। जब हम लंबे टाइम तक स्ट्रेस को डील करते हैं तो बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ कॉर्टिसोल, स्टेरॉइड लेवल बढ़ जाते हैं। ये बॉडी में, बॉडी के सेल्स में, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है और कई अधिक सिम्टम्स आते हैं। कुछ लोग फील करते हैं जैसे एपेटाइट कम हो जाती है, भूख नहीं लगती है, नींद कम आती है, हेडेक रहता है, एंजाइटी रहती है, स्लीप प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा पैल्पिटेशंस फील होती हैं, मेमोरी में इश्यूज आते हैं, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आती है। सो ऐसे कई सारे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आते हैं स्ट्रेस की वजह से। तो उसको डील करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने नीड को, अपने ट्रिगर्स को पहचानें। तो एक्सेप्ट योर नीड्स, डोंट रेस अगेंस्ट टाइम, डू टाइम मैनेजमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज दैट यू नो स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, डेली एक्सरसाइज, डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। इट गिव्स अस गुड हॉर्मोन्स, इट रिलैक्स अवर बॉडी, इट रिलैक्स अवर ब्रेन, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस। देन ईट वेल, ईट हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, अवॉइड यू नो एक्सेस ऑयल और कार्बोहाइड्रेट्स एंड हैव अ बैलेंस डाइट। हाइड्रेट यूर सेल्फ वेरी वेल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड हैव गुड स्लीप। Thank you so much.